हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानी हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है नटखट परी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही नटखट परी थी। वह पूरी दुनिया देखना चाहती थी। ये सोचकर वह अपने सभी लोगों से अलग हो गई। वह हर दिन बहुत दूर दूर तक जाती और नए लोग व नई दुनिया देखती थी। एक दिन वह उड़ती हुई एक घर के पास पहुंची। वहां पर वह खिड़की के पास छिप गई। उसने देख उस घर में एक लड़का अपनी माँ से जिद कर रहा था कि उसे परी देखना है। उसकी माँ उसे समझा रही थी कि परियां सिर्फ आसमान में रहती हैं। जब आसमान पूरी तरह से साफ हो जाए तब तुम उन्हें देख सकते हैं। अभी रात हो गई है, सो जाओ और सुबह जब आसमान साफ होगा तो परी को देख लेना। माँ की बात सुनकर वह लड़का सोने लगता है, लेकिन इसे नींद नहीं आती है। तभी खिड़की पर उसे नटखट परी दिखाई देती है। वह उसे घर के अंदर लेकर आता है। उसने देखा वह नटखट परी बहुत ही छोटी है। दोनों साथ में खेलने लगते हैं। नटखट परी उसे अपना जादू दिखा रही थी और वह लड़का भी खुश होकर नाचता। तभी लड़के के कमरे इस तरह की शोर सुनकर वहाँ पर उसकी माँ आने लगती है। लड़का नटखट परी से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मेरी माँ आ रही है। लड़के की बात सुनकर नटखट परी वहाँ से उड़ जाती है और लड़का चुपचाप लेटकर सोने का नाटक करने लगता है। जब माँ ने दरवाजा खोला तो देखा उसका बेटा तो सो रहा है। उसने सोचा उसे कोई भ्रम हुआ होगा और वह भी अपने कमरे में सोने चली गई। कहानी से सीख, हर किसी में एक नटखट और शरारतीपन छिपा होता है। फिर चाहे कोई बच्चा हो या कोई